दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। राजस्थान सरकार ने पिछले 4 महीने के बिजली के बिलों को माफ नहीं किया और आम जनता से बिजली के बिल वसूल कर रही है। आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार ने 30 जून तक बिजली के बिल जमा कराने की मोहलत दी है, वो एक अपने आप में ही निंदनीय है। एक और तो कांग्रेस सरकार यूपी के अंदर बिजली के बिल माफ़ करने के लिए मुहिम चला रही है और वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी पब्लिक से बिजली के बिल वसूल कर रही है। सब जनों को इस बात का विदित है कि पिछले 4 महीने से लॉकडाउन रहा है और लॉकडाउन पीरियड के अंदर कोई भी व्यक्ति काम धंधे पर नहीं गया है, सब अपने अपने घरों में ही बंद रहे। ऐसे में किसी के पास में कोई रोज़गार नहीं था, काम धंधा नहीं था, घर से बाहर लोग बाग नहीं निकले और उसके बावजूद सरकार आर्थिक रूप से लोगों से बिजली के बिल वसूल कर आर्थिक मार मार रही है, जो अपने आप में ही निंदनीय और शर्मनाक है। इसके विरोध में हमने आज मुंह पर काली पट्टी बांधकर और हाथ पर काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया और सरकार से ये मांग की है कि पिछले 4 महीने के बिजली के बिल माफ करें, जनता के बिजली के बिल माफ़ करें। अब चुप है।